सारी जिंदगी ही मेरे नाम कर दें तो कोई हर्ष तो नहीं। दुनिया में मुझसे ज़्यादा कदरदान आपको मिल ही नहीं सकता। मुझसे ज़्यादा कोई आपको चाह ही नहीं सकता। क्या बोरियत है, जल्दी से आ जाए ना कोमल जी, आपके बगैर ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता मुझे। कब समझेंगे आप। तुम्हारी शामत आई है क्या? बस चुप खामोश, खबरदार ये बात आइंदा अपने मुंह से मत निकालना। अम्मी, मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है? अपनी तरफ देखो, अभी तुम खुद हो क्या? अपने अब्बू की मेहनत पर ऐश कर रहे हो। एक लम्हे के लिए खुद को इस घर से अलग करके महसूस करो। अच्छा ठीक है ठीक है, तो अब्बू की गुडविल की वजह से मेरी बात मान लीजिए। अबू ने मुझे इतना कुछ दिया है तो खामोश, बहुत हो गया। बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ बाप उसे खिलौने दिलाते हैं, मगर जब जवान हो जाता है ना तो अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना पड़ता है। अम्मी आप उनसे बात तो कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा आपको। मेरा दिमाग खराब है कि तुम जान मांगो और मैं तुम्हें देने का वादा कर लूं? पहले कुछ बनकर दिखाओ फिर सोचेंगे। आप तो जानती हैं ना कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं कौन सा इतनी जल्दी एसी या डीसी लग जाऊंगा। सब काम स्टेप बाय स्टेप होगा। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, अपनी स्टडी में दिल लगाओ। आइंदा इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करना, बहुत हो गया। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो गया और कुछ नहीं सुनना मुझे। ठीक है, अब मैं सबसे आगे खुद बात करूंगा, कोमल जी से भी खुद ही बात कर लूंगा, आइंदा आप लोगों को नहीं कहूंगा। बाजल बाजल,